हे गाइस, मैं हिमांशी और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस की, छोटी दिवाली की और बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग जाने वाले हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में ये मेरी फर्स्ट दिवाली है और मैं इस दिवाली को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सभी को पता है कि दिवाली से पहले धनतेरस आता है और धनतेरस पे शॉपिंग की जाती है, तो चलिए सबसे पहले इस धनतेरस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अच्छा और मस्ती वाला होने वाला है। तो आज का जो धनतेरस का दिन है उसको चलिए हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग के लिए। गाइस, इस समय हम लोग आ चुके हैं मॉल में और चूंकि आज धनतेरस का फेस्टिवल है इसीलिए धनतेरस में आपको पता है कि बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं। इसीलिए चूंकि मैं जर्मनी में हूँ तो यहाँ हम लोग मॉल में आए हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा मॉल है तो यहाँ पे ये बर्तन लगे हुए हैं, आप इसमें से अपना चूज़ करके ले सकते हैं। तो मैं यही बर्तन देख रही हूँ और इसमें से देख रही हूँ कि कौन सा मेरे को ज़रूरत है और मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो मैं वही देख रही हूँ। चूँकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, जबकि इंडिया में धनतेरस के फेस्टिवल पे बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है आपको। लेकिन यहाँ पे ये जर्मनी है तो यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, कलों जो इधर अपना सामान वगैरह ले रहे हैं। लेकिन चलिए पॉइंट पर आते हैं, हम लोग तो यहाँ पर बर्तन लेने आए हैं तो देखते हैं कौन सा ले लिया, कौन सा ठीक लगेगा। ये तो काफ़ी भारी है। वैसे यहाँ पे स्टील के बर्तन जो हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं और यहाँ पे आपको वो जो आपको इस मटेरियल के यहाँ पे बर्तन मिलेंगे जर्मनी में। ओवर टू ऑल यहाँ पे सारे जो बर्तन है ना वो इस मटेरियल के मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ना इस टाइप के मटेरियल के बर्तन ज़्यादातर मिलते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए इस टाइप के मटेरियल के बर्तन यहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं। ये वाला ले लीजिए, क्या है ठीक है? ठीक है वैसे। ये वाला है?
का ढक्कन बहुत भारी है, लग रहा है 4 किलो का तो ढक्कन भारी है। कौन सा आपको हाथ में लेके थोड़ा बैठना है, इसके ऊपर ढक के छोड़ना। कुछ और देखते हैं, चलो चलते हैं, कुछ और देखते हैं। क्या ये और इतना छोटा सा है, पर वो ये चाय वगैरह बनाने के लिए सही है, सही है नहीं? चलो ये भी ले लो, चलो फाइनल। और आगे और हमने यहाँ पे कौन सा पसंद किया था, ये वाला ना? ये भारी बहुत है, इसके ना भारी बहुत है, और इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा साइज, इससे बड़ा नहीं है यहाँ पे, ये सारे एक ही साइज के हैं। हाँ ये एक ही साइज के हैं। चम्मच, एक या दो चम्मच ले लेते हैं, जैसे पूड़ी वगैरह बनाने के लिए ना। ये ठीक है, ये पूड़ी वगैरह बनाने के लिए। और ये वो है ना केक कुकर, यहाँ पे देख लो ना कौन से लेने, जो ऊपर लगे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने लगा रखे ये सारे ऊपर ऊपर डेमो के लिए रखे हुए ना। ये क्या काम आता होगा, ये जर्मन लोग अपना खाना बनाते हैं उसके लिए काम आते हैं, जैसे हम जो लाची नहीं बिलोते, लाची बिलोते हैं उसके लिए वो दूसरी होती है बिलोने वाली, ऐसे इनका खाना बनाने के लिए अलग अलग डोइयाँ होती हैं। ओके, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ये देखो इसमें ना सारी चम्मच एक साथ ही मिल जाएंगे आपको, इसमें अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये ले लेते हैं ना। ये देखो अलग अलग, ये अलग अलग स्टाइल के चम्मच हैं, ये ले लेते हैं। ओके चलो, अच्छे शॉपिंग कर ली है, जो जो मुझे बर्तनों की ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया है, और कुछ एक आधा एक्स्ट्रा भी लिया है जो मेरे फ्यूचर में कभी काम आ सके। तो हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं, तो अब इस समय हम लोग जा रहे हैं अपना बिल, इन सब सामानों का बिल पे करने के लिए, तो चलिए चलते हैं साथ में बिल पे करने के लिए। क्या वो वाला काफी क्या, वो ब्लैक वाला। विवेक के प्रोसेस में से बस मैं जी हाइन माल ही है, eine kleine Kaffee. Schon mitnehmen kannst du mal. Kaffee zu mitnehmen?
you see. Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on. Sieben Komma fünf. Double ले लो मेरे लिए. Double kleine? Nein, große. Aber deine Mund fast kleine. Messer? Ja. Zwei Stück Messer. ये है मेरा कुकर और ये है माही जी का और ये है इनकी कॉफी और ये आपके लिए ये मेरे लिए पीने के लिए यहाँ पे क्रिसमस की तैयारी के लिए जो है डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है. ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी ट्रॉलीज हैं. यहाँ पे ये सारी ये सिर्फ डेको के लिए है. इसमें भी एक ऑयल डालना पड़ेगा क्या? ये निकलेंगी जब. देखिए क्रिसमस आया ना तो इस वजह से इन्होंने क्रिसमस के लिए ये डेकोरेशन का सामान लगा रखा है. यहाँ पे सारा हेलोवीन का सामान लगा रखा है इन्होंने.